अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी, आज यूनिवर्सिटी में ब्लॉक नहीं है और हवा बड़ी तेज चल रही है, शायद मेरी बात भी ना आ रही हो आपको, इसलिए मैं जरा चेक कर ही बोल रहा हूँ। अभी लाइब्रेरी जाके हमने एक वीडियो शूट करनी है जो दूसरे चैनल पे आएगी, आई थिंक पॉडकास्ट है उस पर। पॉडकास्ट का मतलब ये सीन है कि उसमें ने सोचा कि कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं ताकि लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले, बस यही है पॉडकास्ट का मकसद, असल में कोई मकसद नहीं है। और व्लॉगिंग का मकसद है कि इंटरटेनमेंट, कैजुअल्स वीडियोस बनाएं अपनी डेली लाइफ के बारे में, तो नहीं पता ना, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें कैजुअली जो करते हैं उनके बारे में सब व्लॉगिंग में आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। चलें फिर अभी लाइब्रेरी भी आके मिलते हैं, काफी वगैरह काम करने हैं। ये देखें कितनी बड़ी लाइब्रेरी है, अभी हम इधर पहुंच चुके हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं इधर मैकबुक्स पड़ी हुई हैं, मैकबुक यूज करने वालों के लिए भी आसानी है, और इधर पीसीज भी पड़े हुए हैं विंडो, उनके लिए भी आसानी है। डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं बुक्स के लिए, आसानी होती है। जैसे कि ये टेक्नोलॉजी सेशन है, अभी मुझे इसमें से कुछ चाहिए तो मैं ले सकता हूँ। ये देखें लाइटें जो करी हैं, इसमें क्लाउड्स बने हुए हैं, क्लाउड्स नीचे वाले बंदे क्लाउड्स देख सकते हैं, ऊपर वाले इनको टच भी कर सकते हैं। सी डीज की डीवीडीज की सूरत में भी आपको स्टडी मटीरियल पड़ा मिल रहा है। रोज़ा खुल गया और अभी तक मैं इधर लाइब्रेरी में फंसा हुआ हूँ, मेरे सिस्टम के साथ कुछ गलत हो गया, पता नहीं सारा डाटा भी रिकवर हो पाएगा कि नहीं। देखें रीस्टोरिंग फाइल्स, मैं कोई गलती कर बैठा जिसकी वजह से सिस्टम का ये हाल हो गया, कोई और हाल मुझे इसका नज़र नहीं आया था विंडो का, क्या करना। मेरा डाटा भी पड़ा था, मैंने काम भी करना था, मैंने रीसेट पे लगा दिया, रीसेट होगा तो फिर इसके बाद ही कुछ हो सकता है। नीचे आ गया, इधर चार्जिंग लगाते हैं लैपटॉप की, इधर से कंटेनर इधर से कुछ ले सकते हैं। कैंटीन तो क्लोज हो गई है, हम लेट हो गए, यहाँ से पानी मिलता था, जब मैं पहुँच पाऊँगा वैसे ही हाथ से धोना होता। अपनी सीट पे बैठे, ये देखें मैं इसको रीसेट होते देख रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ट्रेन से बाहर का जगह दिखा दें। सो देखें ट्रेन के बाहर के व्यू, बाहर क्या चल रहा है, बाकी शीशे की वजह से नज़र नहीं आ रहा क्या बाहर, एक मिनट कुछ सेटिंग में देखते हैं, अगर एक्सपोजर को रिड्यूस करते हैं तो हम बाहर देख सकते हैं, बढ़ा दे तो अंदर चले कम, जितना दर आता है उतना ही नफा। घंटा हो गया मैं दिखाने लगा 99%, लेकिन 99% से गुजर के अब काली स्क्रीन हो गई है, आगे आई थिंक विंडो का सेटअप आएगा, पता नहीं मैं क्या क्या करता रहता हूँ, और फिर बाद में ये काम करने पड़ते हैं, रीसेट करना पड़ता है, पूरा टाइम ज़ाया हो जाता है। कहा नहीं जो लिखा होता है वो हो ही जाता है, रिग्रेट नहीं करता मैं, लेकिन मैं बता वैसे बता रहा हूँ पता नहीं क्या क्या हर चेक करता रहता हूँ सिस्टम पर। अब विंडो आएगी इधर, ये हो रहा है थोड़ी देर तक इंस्टॉल हो जाएगी, मुझे उम्मीद है इसके बाद विंडो तक पहुंच जाएगी, पहुंच जा।
नहीं यार नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा का तो ये सीन है, पूरा रीसेट करने के बाद फिर भी नहीं चली, लेकिन मैं घर जा रहा हूँ अभी। ये तो सीन सामने स्क्रीन पे दे दिया। ओ मैंने कहा इसमें ऑडियो नहीं होगी, इसमें ऑडियो भी है स्क्रीन में, क्योंकि वीडियो ऐसी प्ले हो रही थी ना जो ऑडियो वाली थी, मैंने कहा ऑडियो के बगैर प्ले हो रही हैं, बाहर आए हैं तो आवाज़ भी आ रही है। चलें अब मैं तो घर जा रहा हूँ, और आपको मैं करता हूँ अल्लाह हाफिज़, फिर कभी मुलाकात होगी।